बात करेंगे बिलासपुर की, जहां किसानों के खाते से बीमा की किस्त तो कटी है लेकिन उसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसान के खाते में जिला सहकारी बैंक के किस्त की राशि काट ली गई है लेकिन उसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है, जिसके चलते किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद अब कम है, जिसका नुकसान किसानों को बाद में झेलना पड़ सकता है। और इस मामले में जिला सहकारी बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर के मुताबिक जिन किसानों ने लोन लिया है उनसे बीमा की किस्त ले ली गई है मगर उनके खाते में एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि कहना है कि बीमा का सर्वर काम नहीं कर रहा है और समय बढ़ाने की मांग की गई है। वर्तमान में मौसम खराब होने के कारण थोड़ी तकनीकी समस्याएं आ रही है, जिसके कारण पोर्टल जो है प्रधानमंत्री बीमा पोर्टल वो काफी स्लो चल रहा है, उससे थोड़ा एंट्री में परेशानी हो रही है। प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके पहले से 100% एंट्री कर ली जाए और शाखाओं से अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उच्च कार्यालय को हम अवगत कराकर इसमें अतिरिक्त समय की हम मांग। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शैलेंद्र पाठक जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सर्वर डाउन का जो हवाला दिया जा रहा है एंट्री ना होने को लेकर, कितना सच है ये? ये चूंकि बैंक के आधिकारिक का बयान है, ये जो सीईओ है श्रीकांत चंद्राकर उनका आधिकारिक बयान है और ये गंभीर बात है, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना का सर्वर डाउन है बताया जा रहा है बैंक के सीईओ द्वारा, तो ऐसे में बहुत अंतिम समय तक इसमें एंट्री नहीं होती है और जब ऐसे में तारीख खत्म हो जाती है और जो फिर जब किसान का जब बीमा के चैलेंज लगभग कितने दिन हो चुके हैं जो सर्वर डाउन की जो बात कही जा रही है? ये लगभग महीने भर से ये स्थिति है और इसको तुरंत जबकि सुधारा जाना चाहिए था, बोला जाना चाहिए था, लेकिन इसमें ढिलाई कहीं ना कहीं बरत करके किसानों का नुकसान करके और जो गड़बड़ी करने की कहीं ना कहीं मंशा ये दिखती है कि किसानों की किस्त तो काट ली गई है, उनकी राशि होती वो तो काट ली गया, लोन जिन किसानों को दिया जाता है उन लोगों से ले लिया गया, तो ये रकम कहीं ना कहीं अभी बैंक के पास है, जो खाता केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए था, जो पैसा केंद्र के पास जाना चाहिए था वो पैसा कहीं ना कहीं अभी राज्य सहकारी जिला सहकारी बैंक के पास पड़ा हुआ। प्रधानमंत्री बीमा योजना का पूरा जो मामला है वो केंद्र सरकार का है, तो ऐसे में अगर इसको एंट्री में देरी होगी तो किसान इससे वंचित होंगे और फसल जब नुकसान कहीं होगी तो उनको मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा, तो लगभग ऐसे ही लापरवाही से किसानों को नुकसान होता है, विवाद की स्थिति। और चैलेंज लगभग कितने किसान होंगे जो इस पूरे एंट्री ना होने को लेकर प्रभावित हुए हैं? अब इसमें अभी संख्या जो है 25,000 से ज्यादा किसानों की संख्या है जिनकी एंट्री नहीं हुई है, तो ऐसे में एक बड़ा संख्या बड़ी बड़ी संख्या भी है किसानों की, तो इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें जो बैंक की तरह से जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए वो नहीं है, वो केवल ये चल रहा है कि अभी सर्वर डाउन है और समय मिलेगा तो इसमें करेंगे, लेकिन जबकि तत्काल सुविधा देना चाहिए क्योंकि जब केंद्र से ये समय बाहर हो जाएगा और किसान नई एंट्री दर्ज हो पाएंगे और जबकि पैसा ले लिया चुका है। बिल्कुल शैलेंद्र, और जो सरकारें वादा करती है किसानों को लेकर राजनीति करती है वो वादे कहीं ना कहीं खोखले होते दिखाई देते हैं जमीनी स्तर पर, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हो गया।